हेलो, वेलकम टू माय चैनल हेयर सॉल्यूशन। मेरा नाम है सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं आज कलर क्लास के बारे में। तो आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मेरे कलर क्लास में ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको बता दूं आज मैं सिखाने वाला हूं कलर के बारे में। तो कलर बेस के बारे में, लेवल ऑफ कलर के बारे में, दैट मीन डेप्थ बेस जिसको बोलते हैं, एंड अंडरटोन के बारे में। तो जिनको नहीं पता है आज 100% आपको क्लियर हो जाएगा। आज डे है 3 हमारा क्लास लेते हुए और मैं आपको बताऊंगा कैसे लेवल्स होते हैं कलर के, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो है ICC, दैट मीन इंटरनेशनल कलर चार्ट के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि एक जो कलर कंपनीज हैं उन्होंने एक इंटरनेशनली कलर चार्ट बनाया है, कलर लेवल बनाए हैं, लेवल ऑफ कलर्स बनाए हैं जिसको बोलते हैं बेस या डेप्थ। सो वी यूज दैट कलर फॉर एज अ बेस और डेप्थ। बेस क्या है, व्हाट इज बेस कलर, व्हाट इज डेप्थ कलर, किसी को पता है? आप लोग बताइए। अगर नहीं पता है, द शेड ऑफ ब्राउन जो बेस है वो है द शेड्स ऑफ ब्राउन। यस, द लेवल जो आप देखते हो डार्कर कलर से लेके लाइटेस्ट कलर तक, उसको बोलते हैं शेड्स ऑफ ब्राउन। तो ब्राउन में ही अलग अलग लेवल हैं, कुछ डार्कर हैं, कुछ लाइटेस्ट हैं। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि हमारी स्किन का कलर एंड हमारे हेयर का कलर ब्राउन होता है, राइट? सबको पता है इस चीज़ के बारे में। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इट इज़ अ डोमिनेंट कलर जो आपके हेयर में और आपकी स्किन में पाया जाता है, आपकी हेयर और स्किन में रहता है, इसको डोमिनेंट कलर। तो मैं आपको बता रहा था कि हर एक जितनी भी कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने एक चार्ट क्रिएट किया है, एक लेवल्स क्रिएट किए हैं, उसको बोलते हैं बेस लेवल या डेप्थ लेवल, और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कलर चार्ट। ये शुरू होते हैं नंबर 1 मतलब कि डार्क से और जाते हैं नंबर 10 तक मतलब लाइटेस्ट तक, ठीक है। तो इसके नाम क्या क्या हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ साथ साथ में, और ये याद करने बहुत ज़रूरी हैं। इनके नाम हैं, नंबर 1 जो है वो सबसे ज़्यादा डार्क है, इसको बोलते हैं ब्लैक। नंबर 2 जो है वो है डार्केस्ट ब्राउन। नंबर 3 जो है वो है डार्क ब्राउन। नंबर 4 जो कि मीडियम ब्राउन। नंबर 5 जो कि है लाइट ब्राउन। नंबर 6 जो कि है डार्क ब्लोंड। नंबर 7 जो कि है मीडियम ब्लोंड। नंबर 8 जो कि है लाइट ब्लोंड। नंबर 9 वेरी लाइट ब्लोंड। नंबर 10 इज अ लाइटेस्ट ब्लोंड। जी हाँ, तो ये जितने भी नंबर आप देख रहे हो ये सारे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और ये एक्चुअल में बेस कलर हैं जो कि डेप्थ कलर हैं, जो हमारे बालों के अंदर होते हैं। उसी रिगार्डिंग कंपनीज ने एक लेवल बना दिया है जो कि इंटरनेशनली सब जगह पे यही चलता है। आप कहीं भी जाके जॉब करो, काम करो, तो हर एक ब्रांड के अंदर यही बेस रहेंगे सेम। और जो 10 नंबर के ऊपर की सीरीज है उसको बोलते हैं स्पेशल ब्लोंड, मतलब 11 नंबर या 12 नंबर के जो बेस हैं या कलर सीरीज किसी कंपनी ने क्रिएट की हुई या बनाई हुई है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल ब्लोंड सीरीज। सो दीज आर द बेस कलर, द लेवल ऑफ ब्राउन, द कलर ऑफ ब्राउन, यू कैन से दैट इंटरनेशनल कलर चार्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अंडरटोन के बारे में। किसी को पता है व्हाट आर द अंडरटोन्स, अंडरटोन क्या है, किसको बोलते हैं? अंडरटोन्स आर अ डोमिनेंट कलर जो कि एक सपोर्टिंग कलर है। हर एक बेस का अपना एक अंडरटोन होता है। कुछ लोगों को नहीं पता है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो उनको मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा अंडरटोन्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे, तो जैसे आपको पता है बेस कलर होते हैं 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक, डार्क से लेके लाइटेस्ट तक, राइट, नंबर 10 तक। तो इनके सब के अपना अपना अंडरटोन होता है, अपना एक सपोर्टिंग कलर होता है जो कि हमें दिखाता है इसका डेप्थ। अभी आप देखोगे नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक सब के जो अंडरकोट हैं वो है रेड। नंबर 1 यानी कि ब्लैक जो है उसका अंडरटोन है रेड। नंबर 2 जो कि बेस है जिसको बोलते हैं डार्केस्ट ब्राउन, उसका अंडरटोन है रेड।
नंबर तीन जो है डार्क ब्राउन, उसका अंडरटोन है रेड। नंबर फोर यानी कि मीडियम ब्राउन, जिसका अंडरटोन है रेड। तो इनके एक सपोर्टिंग कलर हैं, इसको बोलते हैं अंडरटोन। अब आ जाते हैं नंबर फाइव पे, इसको बोलते हैं रेड ऑरेंज। अब आ जाते हैं नंबर सिक्स पे, इसको बोलते हैं ऑरेंज रेड। अब देखिएगा रेड ऑरेंज और ऑरेंज रेड में क्या डिफरेंस है। नंबर फाइव में रेड ज़्यादा है इसलिए उसको रेड ऑरेंज बोला गया है। नंबर सिक्स में ऑरेंज ज़्यादा है इसलिए उसको ऑरेंज रेड बोला गया है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें। तो जो नंबर सेवन है वो है ऑरेंज, नंबर एट येलो, नंबर नाइन बेस कलर जो है हमारा उसका है पेल येलो, एंड नंबर टेन जो है वो है पेलेस्ट येलो। अगर आपके बाल ब्लैक हैं या डार्क हैं दैट मीन उनमें सबसे ज़्यादा जो है रेड पिगमेंट है। तो रेड पिगमेंट होना, अगर आपके बालों में बालों का कलर ब्लैक है या डार्क ब्राउन है या ब्राउन है दैट मीन उनके अंदर ज़्यादा रेड पिगमेंट है। रेड पिगमेंट होने की वजह से आपके बाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपको एक चीज़ और बता दूँ, हम जो एशियन हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये जितनी भी एशियन कंट्री हैं सबके हेयर जो हैं वो ब्लैक या डार्क कलर के हैं। तो इनके बालों में ज़्यादा पिगमेंट जो अंडरटोन है वो रेड मिलेगा, आपको रेड पिगमेंट ज़्यादा मिलेगा और बाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अच्छी बात है ना, हम इंडियंस कितने ज़्यादा लकी हैं, हमारे पास डार्क हेयर हैं, राइट? हाउ लकी वी आर एज अ इंडियन, राइट? डार्केस्ट कलर हेयर आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द लाइटेस्ट कलर्ड हेयर। यस, जिनके बाल लाइट कलर के होते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप देखते हो उनके बाल लाइट कलर के होते हैं, तो वो वीक होते हैं, उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने हमारे बाल डार्क बाल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद आज का क्लास जो है मैं प्लान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करने का ना सोचा जाए, ताकि आप सारी क्लासेस देख पाएँ। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बट आपको डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा और सिखाता रहूँगा हेयर कलर के बारे में। तो अभी हमने जहाँ तक पढ़ा है, जो बेस पढ़ रहे हैं हम कलर का, वो सारी कंपनीज में सेम है। लोरियल, वेला, शॉस्कॉफ, मैट्रिक्स, रेडकिन, रस्क, एवरी जो भी कलर कंपनी है दुनिया में, सब के बेस कलर सेम है जो कि मैंने आपको दिखाए। इसके बाद आएंगे अंडरटोन, जो कि है नेक्स्ट क्लास, जो कि कल मिलेगी आपको। उसके अंदर बताऊँगा जो अंडरटोन्स हैं वो हर एक कंपनी के अलग है। तो बने रहिएगा मेरे साथ कल की वीडियो में, जिसमें आपको अंडरटोन तो आज हो चुका है, जिसके अंदर आपको टोन्स जो कि है, रिफ्लेक्स जो कि हैं वो सीखने को मिलेंगे। हर एक कंपनी के बारे में बताऊंगा मैं आपको, और आपको याद भी करना है, ताकि मैं एग्ज़ाम में जब आपसे पूछूं तो आपको उसका आंसर इजीली देना आ जाए। डर गए राइट? एग्ज़ाम भी होगा, एग्ज़ाम होगा वो आपके लिए ही है, आप अच्छे से समझ पाओगे, आंसर दे पाओगे, याद कर पाओगे। और आप किसी भी सैलून में जाते हो, कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट पड़ा हो, कोई भी ब्रांड का कलर हो, आप इजीली कर पाओ, तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। और सबसे पहली बात कि हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर दिखाई देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, और ये अपकमिंग कोर्सेज है, इसकी डेट आप देख सकते हो इसके ऊपर ही। और आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उस पर हम नए कोर्सेज के बारे में बताते हैं, हेयर टिप्स के बारे में बताते हैं, नए कोर्स कब स्टार्ट होंगे, कौन सी डेट होगी, कौन सा टाइमिंग होगा, और बहुत सारे नए जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उसकी वीडियोज़, उसकी आप बोल सकते हो ट्रेलर जो है, उस इंस्टाग्राम पे यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, और लास्ट में यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमें, हमारे चैनल को, तो इसमें मैंने तीन अलग अलग पार्टीशन बनाए हैं, अकॉर्डिंगली आपको पे करना है, और आप अकॉर्डिंगली वीडियोज़ भी ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। तो आप ज्वाइन पे क्लिक करके वहाँ पे एक 3 मिनट का वीडियो है वो देखिए, और आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ज्वाइन का मीनिंग क्या है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दो, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ, ऑल पे क्लिक करो। बेल का आइकन दबाने से आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, एंजॉय।